नमस्कार, आप देख रहे हैं thelondontop.com और मैं हूं निखिल। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आ गया है। निर्मला सीतारमण सुबह 10 बजे संसद पहुंची, उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे। दिन के 11 बजे वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और बजट पढ़ा। उससे पहले सीतारमण ने कश्मीरी भाषा की एक कविता भी सुनाई, सुनिए। सोन वतन गुलजार शालीमार ह्यू, सोन वतन गुलजार शालीमार ह्यू, दल मन फोलवून पंपोश ह्यू, नवजवान अन हुंद भूषण खुमार ह्यू, म्योन वतन च्योन वतन सोन वतन नुंदबोनी वतन। I'll read this in Hindi, not as a poem, but for the meaning. Hamara vatan, khilte hue shalimar bag jaise. Hamara vatan, khilte hue shalimar bag jaise. Hamara vatan, dal lake mein khilte hue kamal jaisa. नौजवानों के गरम खून जैसा, नौजवानों के गरम खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन हमारा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन। इसे लिखने वाले कवि थे पंडित दीनानाथ कौल नदीम। दीनानाथ कौल नदीम का जन्म मार्च 1916 में हुआ था। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर आक्रमण हुआ कबायलियों का और उन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन भी था, तो कश्मीर के साहित्यकार हमले के खिलाफ लामबंद हो गए। दीनानाथ कौल नदीम इन्हीं साहित्यकारों में से एक थे। तब से वे कश्मीर में साहित्य के सबसे खास चेहरों में शामिल माने जाते हैं। कश्मीरी साहित्य में योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। 8 अप्रैल 1988 को उनका निधन हुआ था। अपने बजट भाषण के बीच में वित्त मंत्री ने अवयार की एक तमिल सूक्ति सुनाई, भूमि थिरुत्ति वू। ऑनरेबल स्पीकर सर, इन तमिलनाडु देयर वाज अ वेरी वाइस ओल्ड वुमन सेंट पोएट हु लिव्ड मोर देन 3000 इयर्स अगो एंड शी हैड यूज्ड एवरी लेटर ऑफ द तमिल अल्फाबेट टू टीच चिल्ड्रन मॉरल स्टोरीज, नॉट स्टोरीज, मॉरल लाइंस। Each line was only 3-worded ones. They were very simple ones. They're called Aati Chudi, written by Avayar. Whilst talking about effective use of land, taking care of your land, removing weeds, and making sure you tend to it properly, she had just used 3 words in a little sentence, which says it all. And that's exactly what our Prime Minister is aiming to achieve, so that the farm lands are used with proper manure, not excessive manure, and limited water to grow their grains. Bhumi Thiruthi Un is the line from Aati Chudi, which was said by a saint poet, a woman called Avayar. Bhumi Thiruthi Un. First tend to your land, take care that you're not excessively leaving it, and then trying to take a crop out of it. अर्थात पहले खेती वाली भूमि को पोषित करें, उसके बाद उचित तरीके से फसल उपजाएं, व्यक्ति को भोजन करने से पहले मेहनत करनी चाहिए। अवयार एक पद है, इसमें 6 महिला विद्वानों का जिक्र आता है। सबसे पहली अवयार संगम काल में हुई। संगम काल ईसा पूर्व 6 शताब्दी से ईसा पूर्व 1 शताब्दी तक माना गया है। वित्त मंत्री ने जिन अवयार का नाम लिया वो लगभग 1200 ईस्वी के दौरान हुई थी। अवयार तृतीय, उनकी रचना आदि चूड़ी में ये पंक्ति संकलित है। निर्मला सीतारमण ने इसके बाद तमिल कवि तिरुवल्लुवर की कविता सुनाई। तिरुवल्लुवर की किताब है तिरुकुरल। तिरुकुरल का मतलब होता है पवित्र लघु काव्य। उन्होंने एक अच्छे देश के 5 आभूषण गिनाए हैं। ये आभूषण हैं स्वास्थ्य, अच्छी फसल, धन, खुशी और सुरक्षा। ऐसी मान्यता है कि लगभग 2050 साल पहले तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में रहा करते थे। उन्होंने तिरुकुरल नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें 133 अध्याय और 1330 छंद हैं। ये पुस्तक नीतिगत शिक्षा का पाठ पढ़ाती है और इसे तमिल भाषाओं के प्रतिष्ठित साहित्य में से एक माना जाता है।
सरकार टैक्स क्यों लेती है, ये समझाने के लिए वित्त मंत्री ने अपने भाषण में संस्कृत साहित्य का भी जिक्र किया। कालिदास की तीसरी रचना रघुवंशम का उन्होंने एक श्लोक सुनाया। प्रजानाम एव भूत्यर्थम सत्ताभ्यो बलिम अग्रहीत, प्रजानाम एव भूत्यर्थम सत्ताभ्यो बलिम अग्रहीत, सहस्र गुणम उत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवि। हम आपको इस श्लोक का हिंदी में अर्थ बता देते हैं। जिस तरह से सूर्य पानी की हजारों बूंदों से थोड़ी थोड़ी नमी लेता है ताकि उससे हजारों गुना वापस कर सके, उसी तरह राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए उससे टैक्स लेता है। रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं की कथा है। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय कहानियों और कथाओं को आधार बनाकर साहित्य की रचना की। मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव उनकी अन्य रचनाओं में गिनी जाती हैं। ये वीडियो हमारी खास सीरीज़ खर्चा पानी का हिस्सा है, जिसमें हम बजट से जुड़ी कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए रिसर्च की थी हमारे साथी अभिषेक ने, इसे वीडियो की शक्ल में प्रेजेंट किया मैंने यानी कि निखिल ने, और कैमरे के पीछे हैं हमारे दोस्त मोहन। देखते रहिए दिल अलन टॉक।